मेला में गैस सिलेंडर ब्रस्ट होने से 5 लोग झुलसे, 2 की हालत नाजुक। हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब मेला में अचानक गुब्बारा बेचने वाले गैस सिलेंडर ब्रस्ट हो गया। गैस सिलेंडर ब्रस्ट होने से पूरे गांव व मेला में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। जानकारी के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेले के आयोजन के दौरान मेले में काफी भीड़ जुटी हुई थी। इसी दरमियान मेले में गैस वाला गुब्बारा बेच रहे थे, वही अचानक व्यक्ति के आसपास में काफी भीड़ जमा थी। इस कार्तिक पूर्णिमा में दुर्गा चौक पर श्यामा भाषण के बाद यह हादसा हो गया। गरिमत रही, अगर श्यामा विसर्जन के दौरान यह हादसा होती तो कितने लोगों की जान भी जा सकती थी। घटना के बाद घटनास्थल पर थानाध्यक्ष अनुज कुमार व सशस्त्र बल के साथ 4 घंटे तक कैंप करती रही और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गयी। वही घायल व्यक्ति का नाम नहीं पता चला है। हादसे में गुब्बारा बेचने वाले समेत 2 लोग मधुबनी सदर अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं 3 अन्य लोगों की इलाज सीएससी उमगांव में चल रहा है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आइए देखते हैं क्या कुछ मामला है पूरी वीडियो में। बच्चा बैलून में हवा भर रहा था जी, इसके बाद अचानक अपने आप फट गया। हादसे से 1-2 आदमी घायल हुए जैसे लग रहा है। 2 आदमी घायल होने की जानकारी है क्या? क्या जी जी, घटना स्थल पर पुलिस कैंप कर रही है। अभी आई है पुलिस, खबर ग्रामीण दिया, इसमें 2-3 आदमी घायल है, सिलेंडर वाला खुद ज्यादा घायल है। एक आदमी को कमाया।